पुलिस को शर्मसार करने वाला मामला छतरपुर से सामने आया है, जहां रक्षक ने भक्षक बनकर महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। अब इस रेपिस्ट पुलिस वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। छतरपुर पुलिस ने यूपी की महिला के साथ रेप के आरोप में पुलिस आरक्षक समेत उसके परिवार के 9 लोगों पर मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया है। 27 अप्रैल को एक महिला यूपी के महोबा जिले के डबरा चौकी हाईवे पर संदिग्ध हालत में बेहोश मिली थी, जिसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। मामला यूपी का था, इसलिए एसपी अपर्णा गुप्ता ने भारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि जिले के राजनगर थाना में पदस्थ संजय तिवारी ने उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया और उसके परिवार के 8 लोगों ने उसके साथ मारपीट की, जिस पर पुलिस ने महिला थाना सेल में आरोपी पुलिस आरक्षक संजय तिवारी समेत उसके परिवार के 8 अन्य लोगों पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये कल दिन की बात है जब ये सूचना मिली थी कि जो हाईवे है नौगांव से आगे और जिला महोबा पड़ता है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे एक युवति कुछ अस्त व्यस्त हालत में पड़ी हुई है। मौके पे वहाँ पे महोबा की पुलिस पहुँची थी और महोबा के पुलिस अधिकारियों द्वारा इसको लाके नौगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। वहाँ से रेफर होके ये छतरपुर के जिला अस्पताल में आई और यहाँ पे जब ये कॉन्शियस हुई, बोलने लायक हुई करीब 8-9 बजे, उसके बाद महिला थाना प्रभारी और हमारे अन्य अधिकारियों ने इससे बात की, इसकी वीडियोग्राफी कराई, तो इसने ये बताया कि एक आरोपी है, एक आरक्षक है, इससे पूर्व में भी इसने इसके ऊपर एक कैम करा रखी थी। वो और उसके परिजनों ने इसको लगभग एक माह पूर्व यहाँ से छतरपुर से ले गए थे, अपने पुराने केस के सिलसिले में आई हुई थी और उसके बाद इसको विभिन्न स्थानों पर रख के इससे मारपीट की है और इसके साथ रेप किया है। ये चूँकि घटनाक्रम काफ़ी लंबा है, 1.25 महीने का ये महिला बता रही है, इस पे से महिला थाने में अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है और चूँकि करीब 7-8 लोगों का ये इन्वॉल्वमेंट इसमें क्राइम में बता रही है, इसमें एक SIT मेरे द्वारा बना दी गई है, जिसमें जो महिला सेल के उप पुलिस अधीक्षक हैं वो हैं, TI सिविल लाइन्स हैं और महिला उप निरीक्षक हैं और इसके अलावा अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं और ये SIT त्वरित रूप से कार्य करेगी और जो महिला ने बताया है, जो उसकी FIR हो गई है, इस पर जल्द ही हम इसका वैधानिक निराकरण करेंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।